शिक्षा का मंदिर या गंदगी का अड्डा, क्या कहेंगे आप ऐसी जगह को जहां अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और काबिल बनाने के लिए भेजते हैं और वहां बच्चे गंदगी में रहने को मजबूर हों। हर तरफ देखने को मिल रही है गंदगी, ऐसा ही देखने को मिलता है शासकीय महाविद्यालय में, जहां लगा हुआ है गंदगी का अंबार। शासन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। बात कर रहे हैं रावगढ़ शासकीय महाविद्यालय की, जहां इसके उलट ही देखने को मिलता है। कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटर पर ही नहीं बल्कि हर जगह धूल जमी होती है। वहीं कॉलेज की फाइलों पर भी बहुत अधिक मात्रा में धूल पड़ी हुई है। कॉलेज की दीवारों पर देखने को मिलेंगी तस्वीरें जो किसी महापुरुष की नहीं बल्कि गुटके से थूक कर बनाई गई हैं। शौचालय में बड़ी गंदगी पड़ी रहती है, साथ ही हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था ही नहीं। कॉलेज में जगह जगह लाइट के बोर्ड खुले पड़े हैं, साथ ही लाइट के तार भी वहां लटके हुए हैं, मानो कि किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। जिस जगह वाटर कूलर लगा हुआ है वहां पर भी गंदगी फैली हुई है। जब इस महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर पी के झा से इस सफाई के विषय में बात की तो उन्होंने बताया कि इस महाविद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे पाउच खाकर थूक देते हैं, जिनको हम रोकने की कोशिश करने वाले हैं। शौचालयों को भी बहुत जल्दी ठीक कराया जाएगा, जिससे बच्चों को वहाँ परेशानी का सामना ना करना पड़े। चालू है सीसीटीवी कैमरा? नहीं नहीं अभी नहीं, लगने वाला अभी तो कॉलेज प्रशासन बतलाएगा जो है। तो ये टाइल्स जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगा था, हाँ तो 5-7 साल हो गया, तो गिरना गिर गया। अब नए सिरे से फिर वहीं से आए। यहाँ लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट है, सब गंदगी पड़ी है, टूटे पड़े। लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग। हाँ, छोटे पानी की रब रही है तो देखना पड़ेगा। जैसे कि तो वो पढ़ाई के लिए बच्चे कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं। जब समाज से बच्चे आएंगे तो बच्चों ने थूका है वो तो देखो, यहाँ तो NSS कार्यक्रम होता है, उसमें स्वच्छता का काम चलता है। वो जो उल्टा देखने को नहीं मिलता। देखो यहाँ तो बच्चे, जब 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे में दीदी 5-10 बच्चे भी ऐसा निकला 100 में, वो थूक दिया। आप सब सफाई करके गए, थूक दिया, तो आप क्या करोगे उसको? 1000 बच्चे जब हैं उसमें मान लो 5% भी बच्चा यदि गुटखा खाता है तो 50 बच्चे हुए हैं, और यदि थूक दिया, अब देखने के लिए तो कोई बैठा नहीं है वहाँ पर। साफ सफाई तो रोज होता है। रूमों में ताले इसलिए लगाया जाता है कि जब क्लास नहीं है तो वहाँ पर कोई मतलब बच्चे बच्चियाँ कुछ जो है
बिना मतलब का नहीं बैठे। इसलिए जहाँ क्लास लगती है उसमें तो ताले नहीं लगे हैं, जिसमें ताले लगे हैं उसमें क्लास नहीं चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रूपेश मीना ने बताया कि टॉयलेट में गंदगी पड़ी रहती है, साथ में पानी की व्यवस्था भी नहीं है। बच्चे जहां मन करता है गुटखा खाकर थूक देते हैं, टाइल्स भी निकली हुई हैं। जहां पर स्वच्छता रखी जानी चाहिए वहां पड़ी रहती है गंदगी। कुछ खा पी के तम्बाकू वगैरह खा के हमें नहीं थूकना चाहिए, यहाँ पर स्वच्छता रखनी चाहिए। यहाँ की टाइल्स भी पड़ी हुई है, लोग बेमल खा के थूक रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। टॉयलेट कैसे? टॉयलेट में सर बहुत गंदगी है, पानी नहीं आता उसमें, टॉयलेट में पानी नहीं आता बिल्कुल भी। समझ से परे है कि जो काम पहले ही हो जाना चाहिए था वो हमारे बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि जल्द ही सब दुरुस्त कर दिया जाएगा, ऐसा वो पहले भी कर सकते थे। अब यहाँ से बच्चा क्या सीख कर जाएगा, यही कि गंदगी में रहना चाहिए या फिर स्वच्छता में, कैसे होगा स्वच्छ भारत का सपना पूरा। रावगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव के साथ कमलेश सैनी की रिपोर्ट।